हाथ फेरे भर लू बाहों में मेरे, कह दो ना साथी तुम मेरे। तो व्हाट्स अप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। सो अभी का डेट है 17 मई 2024 एंड टाइम हो रहा 12:23 PM। तो मानो भाई बहुत जल्दी नहीं शुरू अपना व्लॉग। तो भाई लोग व्लॉग शुरू करने लेट शुरू करने का कुछ कारण है क्या बताऊँ मैं तुमको। मेरी ज़िंदगी में परेशानियों से भरी हुई ज़िंदगी है मेरी। क्या हो रहा मेरी शक्ल को, एक तो यार ये आईफोन ने ना परेशान कर दिया भाई कसम से। तो भाई लोग अभी की बात करें तो अभी कहाँ हूँ मैं, अभी हूँ मैं चक्रोत्र रोड पे। और क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं किसी काम से आ रखा था और काम निपटा लिया है और अब यहाँ से यू टर्न मार के मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है सहजदा रोड पे, वो मीटिंग निपटाता हूँ और उसके बाद फिर सारे टू व्हीलर वालों को जल्दी है भाई, कोई रुक के राजी नहीं है। तो उसके बाद मीटिंग निपटाने के बाद फिर मैं देखता हूँ मुझे एक और जगह जाना है, एक शोरूम में जाना है। तो बस यही कुछ है, बाकी चल रहा है भाई, कट रही है जिंदगी, लाइफ इज गोइंग ऑन। तो भाई लोग मीटिंग नंबर 1 निपटा ली है एंड अभी टाइम हो रहा है 1:30 इज़ द, और मीटिंग निपटा ली है अभी। तो अब दूसरी जगह चल रहे हैं, दूसरी जगह है अपना किसी काम से एक साइट पे जाना है, तो वो साइट का निपटाते हैं फिर इसके बाद चलते हैं कुछ करते हैं काम। काम आज कुछ खास ऐसा है ही नहीं, बट देखते हैं घर जाके, फिर घर से चेतक उठा के फिर चले जाएंगे अपने शाम की गेड़ी पे। मेरी रात दी गेड़ी गल रिस्क दी, टांगी ये छड़ी चेहरे इश्क दी। उल्टा कर दिया क्या मैंने, इश्क और रिस्क को इधर उधर कर दिया क्या मैंने। तो भाई लोग यही कुछ है, ओके मना भाई, कुछ तड़कता तड़कता टॉपिक भी नहीं आ रहा आजकल। तो रोहित भी UK07 से वो नहीं कर रहा बॉक्सिंग मैच, एक्चुअली मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना UK07 ने, तो एक्सेप्ट कर लेता तो रोहित भाई की बॉक्सिंग मैच ही हो जाता, मज़ा आ जाता फिर। थोड़े दिनों में लक्ष्य भाई मेरे ऊपर ही वीडियो बनाने वाले हैं। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में, ओके मना भाई। Later that same evening. ये जगह को कहते हैं चीड़ बाग, यहाँ पे थे चीड़ के बहुत सारे पेड़, तो हो गया यहाँ पे चीड़ बाग। तो जान उसके डील दोस्त करना तो बाई डीलर भी है, यहाँ पे चाइनीज माल है ज्यादा लेकिन मेड इन चाइना। तेरा काम क्या, मैं दिल लगा उसमें जो है असली दोस्त, ने किया इंसाफ रखा हिसाब, कर्मा भी मुझे भुगतना है यार, दुनिया का चक्कर भी डेंजर है यार, ये एंगर के साथ। सो भाई लोग आप लोगों ने सिनेमैटिक्स देखे होंगे एंड सिनेमैटिक्स को एंजॉय किया होगा। अगर सिनेमैटिक्स को आपने एंजॉय किया और आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज एक लाइक तो बनता है गाइज, और कमेंट भी कर दो कि सिनेमैटिक्स माना भाई A1। किसी ने मेरी यहाँ वाली वीडियो, ओ देखो देखो एविएटर चला रखा ना, ऐसी मैंने भी चला रखा था एक दिन ये चेतक, एम्बुलेंस देख रही हूँ उन्हें भाई, इतना ना चढ़ाओ यार कहीं तुम एंकर आर्मी वाले इसे तोड़ ही दें। मैंने ड्यू चढ़ानी है उसके ऊपर, वो भाई ड्यू वाले ने क्या कट मारा सामने से इस काला वाले भाई की, भी इंडिकेटर कोई ढंग से नहीं चल रहे, पगाड़ ही चलानी है। हाँ चलाई वो भी नहीं जा रही, और एक तो ईवी की जान ही निकाल दी आंटी ने, तीन बच्चे बैठ के जा रहे हो भैया, कहाँ से आ गया भाई। ओ भाई देख तो लो दीदी नीचे इस रोड में आ गई दीदी, भी मेरी हालत टाइट होगी। अरे चलो ना दीदी, अरे बाद में देखना मोमो की दुकान, वो भी डिमसम्स की दुकान, मैं वैसे ही परेशान आत्मा हूँ। क्या हो गया ऐसा घूर रहे था खाएगा, इंडिकेटर दे रखा मैंने तब मारा ही ब्रेक। हाँ मैं गलत होता हूँ तो सॉरी बोलता हूँ, पर मैं गलत ही नहीं था तो मैं क्यों बोलूँ सॉरी। तो गाइस दवाई दुवाई ले लूँ जरा, मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक ब्रेक के बाद, ओके गाइस, ओके मानो भाई। सो भाई लोग 6:38 PM हो गया टाइम इज़ द, और अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से इज़ द, एक टेंशन होगी साली यहीं की, तो अब मैं वीडियो भी नहीं बना रहा।
टेंशन ये होगी कि एक्सप्रेस वीज से एक कुरियर आना था। अब एक्सप्रेस वीज इतनी थकी हुई कंपनी है कि क्या बताऊँ मैं। आगे बढ़ा ले भाई से, बेवकूफ। टेंशन होगी फालतू की सालाई का। अरे भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है मेरे को, मैंने जो मंगा रखा है वैसे ही उन भाई ने रिप्लेसमेंट बड़ी मुश्किल से दी, और ऊपर से ये भसूड़ी होगी अब की मिला ही नहीं। इस भाई की गाड़ी का इंजन खुला वैसे पता नहीं है क्या, मुझे पता नहीं क्यों आवाज़ से ही हल्का सा हिंट लग जाता है सालाई का कि इंजन खुल गया गाड़ी का। इंजन खुल गया कि मतलब ऐसे नहीं खुल गया कि चलते चलते खुल गया, मतलब कि इंजन ऑयल कम था गाड़ी में और बिना ऑयल के चला है और पिस्टन रिंग जो है उनमें वो आ गए, उनमें प्रॉब्लम आ गई है, पिस्टन रिंग घिस गए हैं। चल यार यहीं बैठ के देखूं जरा, ढूंढूं कुछ उपाय इसका भी। तो भाई लोग मेरी सांस में सांस आई, बिकॉज़ जो प्रोडक्ट मैं सोच रहा था कि मैंने मंगा रखा है और मेरी वजह से एक्सप्रेस वीज वाले जो भी कर रहे होंगे एक्स वाई जेड, तो भाई का भी मैसेज आ गया है। मैं उनका नाम वगैरह वो नंबर वगैरह हाईलाइट कर दूंगा, यहाँ पे हाइड कर दूंगा, मैसेज आ गया उनका श्योर। एंड उनसे ही बात करी मैंने, कहा आपने कहीं एक्सप्रेस वीज से तो नहीं भेजा, तो उन्होंने मना कर दिया कि एक्सप्रेस वीज से नहीं भेज रखा। तो मैं बताता हूँ क्या क्या आइटम था वो। कहाँ गया भाई, कहाँ गायब हो गया तू गाइस? ये रहा, अब प्रॉब्लम अकर्ड आ गया ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ यही था वो, ये घर का एक्चुअली में घर का सामान था सारा। तो कोई नहीं, अमेज़ॉन की क्लास दी जाएगी इस बारे में, कोई नहीं, बहुत अच्छा किया अमेज़ॉन। अमेज़ॉन के बारे में ऑलरेडी विकास भाई बुराई कर ही रहे थे, विकास भाई के बाद अब अमेज़ॉन वालों ने मेरे साथ भी ऐसे ही करना शुरू कर दिया। ये टारगेट्स ऐसा तो नहीं है टारगेट सारे यूट्यूबर्स को ही बना रहे हूँ भाई, कसम से यार कुछ भी कर देते हैं एक्सप्रेस वीज वो, या अनसर्ट की कुरियर कंपनीज को पता नहीं क्यों पकड़ते हैं ये लोग। ई कॉम एक्सप्रेस हो गया आपका, DTDC हो गया, डिलीवरी हो गया, बहुत सारे ऐसे कुरियर कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं अपनी लीग में, बट इन्हें पता नहीं अमेज़ॉन वालों को सेलर ही हैं ये लोग। सेलर क्या करता है कि मार्जिन निकालने के लिए, कोई नहीं, मार्जिन निकालने के लिए सेलर क्या करता है कि सेलर मार्जिन निकालने के लिए क्या करता है, मार्जिन बचाने के लिए थकी हुई कुरियर कंपनी जो सबसे कम पैसे ले रही हो उसे बोलता है कि ये मेरा शिपमेंट है ऐसे ऐसे करके इसे शिप कर दो, तब वो उस हिसाब से शिप करती है। थकी कुरियर कंपनीज पकड़ते हैं ये लोग, और तब साला इनका वाट आदमी की लग जाती है नॉर्मल। चलो कोई नहीं, पर साला इनका बहुत सिरदर्दी हो गई भाई, बहुत ज़्यादा सिरदर्दी हो गई आदमी की। सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो भाई लोग मुझे लगता है मुझे इस ब्लॉग को एंड कर देना चाहिए। सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप सभी को कल शाम 7 बजे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।